ये हमारे यूटी का फायदा आप देख सकते हैं। आप सब लोग पब्लिक रोड को, नेशनल हाईवे को साफ कर रहे हैं। आज हमारे गांव के रोड को देखो आप, 3 किलोमीटर पूरा पब्लिक मिलके यहाँ पर साफ करके यहाँ पहुंचा है। दो पेशेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, हमारे टाटा मोबाइल गाड़ी में, पिकअप गाड़ी में दो पेशेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। और हमारे गांव को देखो, लातू को बिल्कुल साफ करके यहाँ तक पहुंचा हुआ। अभी हाईवे भी हम साफ कर रहे हैं यहाँ पब्लिक। आप खुद, अब मैं कैमरामैन को से गुजारिश करता हूँ कि जो साफ कर रहा है उनको भी दिखाए मेहरबानी करके, वहाँ देख पेशेंट को भी दिखाए मेहरबानी करके। आप देखो वहाँ कम से कम पुल से लेके यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अभी तक कोई अता पता नहीं है जीसीबी का कि नेशनल हाईवे का 2-3 दिन से बंद है। पता नहीं, कुछ बेचारे लोग द्रास से पैदल आ रहे हैं, बहुत दूर से पेशेंट पैदल आ रहे हैं। हमने उनसे पूछा भाई इतना मजबूरी क्या है, उन्होंने कहा कि ये सब गवर्नमेंट के किया धरा है। देखो आप खुद देख सकते हैं, इतना अभी ये है जोजिला यूटी का खोलने की बात फायदा। कर रहा था, जोजिला में 10 फीट बर्फ गिरता है, यहाँ तो 4 फीट बर्फ ये लोग साफ नहीं कर सकता है। जोजिला बिल्कुल का सही दस फीट बात है। बर्फ कैसे साफ करेगा ये लोग? अभी बोलते हैं पूरा जोजिला हम खोल के रखेंगे, सर्दी भर केमिकल लगाएंगे, ये लगाएंगे। नेशनल हाईवे द्रास तक तो सफाई नहीं हुआ है, आपको द्रास के बारे में कुछ पता ही नहीं। करते इलाके का देखो अभी साफ क्या होगा। हमारा द्रास के बारे में ना कोई सोचता है ना कुछ करता है। अल्लाह।